नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन संस्थान परीक्षा प्लस में। कैसे हैं सभी? EMRS फेज टू की वैकेंसीज बिल्कुल दरवाजे पे हैं और आप सभी को तैयारी अभी से स्टार्ट कर देनी चाहिए। लेकिन बहुत सारे बच्चे के दिमाग में एक बहुत बड़ा प्रश्न चल रहा है कि सर क्या इस बार EMRS के एग्जाम पैटर्न बदल जाएंगे? इस बार एलिजिबिलिटी क्या होगी, एज क्राइटेरिया क्या होगा? तो एक बार फिर से मैं आपको सारे आपके डाउट क्लियर करने के लिए इस सेशन में आया हूँ। शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे तो आपका एक भी डाउट ऐसा नहीं रह जाएगा जो आपके दिमाग में रह जाए। सब कुछ आपका इस वीडियो के बाद क्लियर होने वाला है और उम्मीद है इस वीडियो के बाद आपको कहीं भी कोई भी चीज देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। आते हैं हम लोग इसमें क्या क्या देखने वाले हैं कि कौन अप्लाई कर सकता है, कैन यू अप्लाई, क्या आप इसमें आवेदन कर सकते हैं, क्या आप इसका फॉर्म भर सकते हैं, या फिर EMRS फेज टू में जो हॉस्टल वार्डन है इसका पैटर्न क्या होगा, चेंज होगा, एज क्या होगी इस बार, एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, पोस्टिंग कहाँ कहाँ होती है। बहुत सारे बच्चे ये पूछते हैं कि क्या सर हम इस राज्य से हैं दूसरे राज्य में अप्लाई कर सकते हैं। उनके दिमाग में ये चलता है कि ये राज्यवार वैकेंसी है, ये स्टेट वाइज वैकेंसी है। तो ऐसे तमाम डाउट आपका क्लियर करने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ और इस सेशन में एक एक चीज आपका मैं क्लियर करने वाला हूँ। उससे पहले बच्चों, आपका EMRS फेज टू का परीक्षा प्लस बहुत बेहतरीन, लगभग 10,000 से ज्यादा पेड बच्चे परीक्षा प्लस पे पिछली बार विश्वास किए थे और उम्मीद है इस बार उससे कहीं ज्यादा बच्चे आप परीक्षा प्लस पे विश्वास करोगे, जिसके चलते EMRS फेज टू EMRS में नंबर एक परीक्षा प्लस पहले भी रहा है, अब भी है और आगे भी रहेगा, इस बात का मैं आपसे वादा करता हूं। कॉम्बो बैच में जो सारे छात्र हैं ये अभी आपका 10 तारीख तक ये ऑफर चलता रहेगा, 70% ऑफ 1599 मात्र 499 रुपए मिलेगा। ये जो 1599 का बैच है लिमिटेड ऑफर के तहत मात्र 499 में है, इस बात को ध्यान दीजिएगा, जिसमें आपको केवल एक नहीं आपको मल्टीपल आप यहाँ पे कोर्स इसमें मिल रहा है, जैसे इसमें वार्डन भी है, इसमें लैब अटेंडेंट भी है, इसमें GSA भी है, इसमें TGT PGT भी है। बट TGT PGT वाले ध्यान दीजिएगा, केवल कॉमन सब्जेक्ट है, मेन जो आपका सब्जेक्ट है कंसर्न सब्जेक्ट वो इसमें इंक्लूड नहीं है, वो अलग से आएगा। और उसके बाद ग्रुप सी के तमाम पद हैं वो सारे के सारे इंक्लूड है। तो आपको इस बैच को खरीदने के बाद मेरे ख्याल से कोई और बैच भी नहीं लेना पड़ेगा, ये बैच से आप अभी जुड़ जाइए, बाद में ये प्राइस 1599 हो जाएगी, इस बात का ध्यान दीजिएगा। आते हैं आपका जो डाउट है, आपके जो क्वेश्चंस हैं उसको मैं एक एक करके क्लियर करता हुआ चलता हूं। तो ये है EMRS हॉस्टल वार्डन का। सबसे बड़ी बात कि सबसे पहला क्वेश्चन ये रहता है जो आपका यक्ष प्रश्न भी है कि सर टोटल वैकेंसी कितनी आ रही है। पहला जो आपका प्रश्न रहता है कि सर वैकेंसीज की संख्या कितनी है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी ये कितनी है। तो मैं आपको बता दूं कि बेटा अभी तो ये कहीं पे पता नहीं चला है, लेकिन टोटल EMRS की तरफ से 1480 वैकेंसी सैंक्शनड है। 1480 वैकेंसी कुल मिला के ये 740 EMRS में होना है। एक EMRS में दो पोस्ट है, ये आप देख सकते हो, एक आपका मेल का और एक आपका फीमेल का, ये अभी तक वार्डन का है। इसमें 740 आपके टोटल पद, सॉरी 740 EMRS में 1480 आपके EMRS के पद हो सकते हैं, सॉरी हॉस्टल वार्डन के पद हो सकते हैं, जिसमें से आपको एक चीज दिखा दूं कि फेज वन में कितनी वैकेंसीज क्लियर हो गई हैं, ये भी मैं आपको बता दूं। तो फेज वन में बेटा 669 जो वैकेंसी है, 669 ये वैकेंसी अभी तक क्लियर हो गई है, लगभग 670 मान के चलो, तो लगभग 800 वैकेंसी और बची हुई है। अब ये ज्यादा चांस है कि 800 की 800 वैकेंसी आपके फेज टू में ही आ जाए, लगभग 800 के अप्रॉक्स में ये फेज टू में ही आ जाएगा, क्योंकि 300-400 पद देने का कोई मतलब नहीं होगा फेज थ्री के लिए, और फेज थ्री में ऐसा चांस है कि वार्डन की वैकेंसी ना आए। तो जो बच्चे इस बार एलिजिबल हैं वो सारे के सारे तैयारी इस बार वार्डन की पोस्ट के लिए कर लो, क्योंकि शायद ये अंतिम फेज हो, फिर वैकेंसी वार्डन की शायद 5-6 साल 7 साल ना आए, क्योंकि टोटल जो 740 EMRS है उसमें सैंक्शन पोस्ट ही 1480 है जो इस फेज के बाद भर जाएंगी। अब सबसे बड़ी बात है कौन एलिजिबल हो। तो भाई अगर आप जनरल कैटेगरी से 35 साल तक हो तो आप क्या हो, इसमें एलिजिबल हो। वहीं पे अगर SC ST वालों की बात किया जाए तो आप 40 साल के हो तो भी आप एलिजिबल हो।
अगर ईएमआरएस का कोई इंप्लॉय है, आप कितने साल के हो? 55 साल के हो, मतलब आपके रिटायरमेंट का 5 साल केवल बाकी है, तब भी आप अप्लाई कर सकते हो। 5 साल आप हॉस्टल वार्डन के पद पे कार्यरत कर सकते हो। तो भैया 55 साल के, इतनी बड़ी एलिजिबिलिटी मेरे ख्याल से कोई नहीं देता। अगर 55 साल के हो तो भी भर सकते हो, और जनरल कैटेगरी का बच्चा जिसके पास कुछ नहीं है वो भी 35 साल का है तो भर सकता है, और SC ST तो आपके 5 साल रिलैक्सेशन मिलता है, वो आपके कितने भर सकते हैं? 40 साल तक, और ओबीसी को 3 साल का रिलैक्सेशन है वो 38 साल तक भर सकते हैं। तो क्लियर हो गई बात, बाकी रिलैक्सेशन का मैं अभी आपको दिखा दूंगा। अब सबसे बड़ी बात है कि क्या उम्र वाले ही भर सकते हैं, एजुकेशन क्या मांगा है? तो एजुकेशन बेटा इसमें क्या मांगा गया है, एजुकेशन मांगा गया है आप सिंपल क्या हो, ग्रेजुएट हो। आप मुझे कमेंट करके बता दो कि आप में से कौन कौन ग्रेजुएट है और ग्रेजुएशन किस में है आपका। तो बैचलर डिग्री आपका होना चाहिए, आप देख सकते हो बैचलर डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। एक आपका क्या है, 4-year इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ NCERT। तो ये भी क्या होता है, ये भी आपका डिग्री होता है। तो कुल मिला के आपके पास बैचलर डिग्री होना चाहिए, बस आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो, इसमें आवेदन कर सकते हो। फिर लोग पूछते हैं कि सर इसमें सैलरी कितनी मिलेगी? तो बेटा ये तो टोटल आपका, ये तो टोटल पोस्ट हो गया आपका, और सबसे बड़ी बात है कि एज की बात किया जाए तो एज में 35 साल है, प्लस आपका 3 साल ओबीसी के लिए, प्लस आपका 5 साल SC ST के लिए, और अगर देखा जाए प्लस आपका जो 20 साल है वो 20 साल आपका EMRS एम्प्लॉय के लिए। तो ये मेन आपका क्या है, मेन आपका 35 प्लस 3 या 35 प्लस 5 या 35 प्लस 20 आपका ये एज है। उसके बाद आपका जो एजुकेशन होना चाहिए, एजुकेशन जो आपका है, आपकी जो शैक्षिक अर्हता है, जो एजुकेशन है वो आपका कितना होना चाहिए, वो आपका सिंपल ग्रेजुएशन होना चाहिए, इस बात को ध्यान देना। तो एजुकेशन में आपको केवल ग्रेजुएशन हो, आप क्या हो जाओगे, आप इसके लिए एलिजिबल हो, ये मेन इसकी एलिजिबिलिटी है। प्रोबेशन 2 साल का होता है, और वेदर एज एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट विल अप्लाई फॉर प्रमोशन, यहाँ पे प्रमोशन की बात होता है तो यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल की बात है। आते हैं एक एक चीज मैं आपको बताता हूँ। प्रोबेशन 2 साल का है, और इसमें बेटा कोई भी प्रमोशन से पद नहीं है, जितने भी पद हैं वो सारे के सारे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से हैं, इसलिए 800 पद लगभग इसमें आ सकते हैं। अब आती है बात कि पिछली बार जो वैकेंसी आई थी उसमें लगभग 670 पद थे, 669, जिसमें हॉस्टल वार्डन मेल का 335 था, फीमेल का 334 था। इतनी कैटेगरीज में निकलती हैं ये, आपके क्या हैं, अनरिजर्व AWS, OBC, SC ST और बाकी हॉरिजेंटल वाले होते हैं। लेवल 5 की जॉब है, सैलरी पूछते हैं बच्चे तो 29,200 तो इसका क्या है, बेसिक पे है, मतलब जो आपकी सैलरी बनेगी वो इन हैंड सैलरी 55 से 60 हज़ार के बीच में आपकी पहली सैलरी जाके बनेगी ही बनेगी। अब ये एज मैं आपको बता ही दिया, आपका डिग्री मैंने बता ही दिया कि आपके पास एजुकेशन क्या होना चाहिए। बच्चे ये पूछते हैं कि सर इसमें पूछा क्या जाता है, एग्जाम में क्या आता है? तो बेटा एग्जाम में आप देख लो, इसमें टोटल 6 पार्ट होते हैं। पिछली बार 6वें पार्ट में बच्चों ने कुछ गलती कर दी थी, उसे भी ध्यान से सुनिएगा वरना आपसे फिर से गलती होगी। पहला पार्ट इसका क्या है, जनरल अवेयरनेस का है। इस जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन क्या होता है, काफी टफ लेवल का होता है, CBSE पेपर बनाती है, तो ये अपनी बढ़िया अच्छे से जो क्वालिटी इसकी है कॉन्सेप्चुअल बनाने वाली वो दिखा देती है। रिपोर्ट से उठा उठा के भर भर के क्वेश्चन इस बार पूछे थे, और बच्चों के 10 में से 3-4 क्वेश्चन भी, 3-4 प्रश्न भी करना क्या हो गया था, मुश्किल हो गया था। तो इस बार आप स्कीम वगैरह और जो गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट हैं ये, और फिर आपके जो बोल सकते हो रिपोर्ट वगैरह, उन्हें अच्छे से पढ़ लीजिएगा तो आपका काम बन जाएगा। जनरल अवेयरनेस 10 क्वेश्चन का है। रीजनिंग एबिलिटी आपका इजी टू मॉडरेट लेवल का होता है, सिलेबस अभी मैं दिखा देता हूँ, 20 क्वेश्चन पूछा जाता है। नॉलेज ऑफ ICT, ये एक कंप्यूटर का विषय है, नॉलेज ऑफ ICT जो है, हाँ ये कंप्यूटर का विषय है, ये आपका 20 क्वेश्चन पूछा जाता है। इजी पिछली बार पूछा था, इस बार भी इजी टू मॉडरेट रहने के चांसेस हैं। यहाँ पे नॉलेज ऑफ पॉक्सो है, ये एक धारा है, ये क्या है, ये चाइल्ड एंड सेक्सुअल ऑफेंसेस का जो उनके सेफ्टी से संबंधित होता है, प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड एंड सेक्सुअल ऑफेंसेस, ये जो आपका धारा है ये, इससे 10 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप जो वार्डन होते हैं, वार्डन को ये बात जाननी चाहिए कि आखिर बच्चे के सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए कौन कौन सी धाराएं होती हैं, इससे 10 क्वेश्चन पूछा जाता है। बच्चों को सबसे ज्यादा समस्या इसी 10 क्वेश्चन के पार्ट में होती है, लेकिन अगर इसे तरीके से पढ़ोगे तो सबसे आसान भी है। उसके बाद सबसे ज्यादा स्कोरिंग और सबसे ज्यादा परेशान करने वाला विषय आपका एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड है। परेशान इसलिए करने वाला क्योंकि पढ़ने के लिए कोई कंटेंट नहीं मिलता, और स्कोरिंग इसलिए क्योंकि क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि बिना पढ़े भी आप 20 प्लस कराओ। तो
तो ये स्कोरिंग पार्ट है, इसको मैं आपको पढ़ा रहा हूँ बहुत बेहतरीन तरीके से, और गारंटी है इसमें 30 में 30 आपको मैं दिलवा दूंगा, ये बात भी आप समझ के चलना, इसीलिए मैं स्कोरिंग बता रहा हूँ। पार्ट 6 में क्या है, इसमें 3 विषय हैं, ये जो 30 आपको दिख रहा है ये 10-10 के 3 विषय हैं, इसमें 10 क्या है हिंदी है, 10 आपका क्या है इंग्लिश है, और 10 आपका है रीजनल लैंग्वेज। रीजनल लैंग्वेज क्या है, टोटल 10 भाषाओं को रीजनल लैंग्वेज में माना गया है, जिसमें बंगाली, डोगरी, इंग्लिश, गारो, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, खासी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, मिजो, नेपाली, उड़िया, संथाली, तेलुगु और उर्दू। ये टोटल 18, में 10 बोला था, टोटल 18 भाषाएं हैं, इन 18 में से कोई भी आप चूज कर सकते हो, लेकिन 18 में जो दो भाषाएं आप चूज करोगे, एक जब आप हिंदी चूज कर लोगे या इंग्लिश चूज कर लोगे, तो हिंदी चूज करोगे तो दो बार हिंदी, इंग्लिश चूज करोगे तो दो बार इंग्लिश हो जाएगी। तो आप चूज तो कर सकते हो, लेकिन अगर आप रीजनल लैंग्वेज के तर्ज पे हिंदी या इंग्लिश चूज करते हो तो जो इसका लेवल होगा, इस वाले लेवल से क्या होगा, इस वाले लेवल से थोड़ा हाई रहता है। पिछली बार बच्चे गलती क्या किए थे कि इन तीनों के मार्क्स जुड़ते हैं, मतलब टोटल 120 क्वेश्चन 120 नंबर का होता है, लेकिन कई जगह वो शायद मिसगाइडेड हो गए थे, कई यूट्यूब चैनल लोग वालों ने उन्हें मिसगाइड कर दिया था कि जो रीजनल लैंग्वेज है वो केवल क्या है, क्वालिफाइंग है। क्वालिफाइंग मतलब ये कि आपका केवल इसमें 40% लेके आना है, मतलब आप 4 क्वेश्चन केवल सही कर लो बस। तो बहुत सारे बच्चों ने इसमें 4-5 क्वेश्चन करके इसे क्वेश्चन छोड़ के चले गए, जिनकी वजह से वो कटऑफ से बाहर हो गए। वार्डन में बेटा ध्यान से सुन लो कि ये क्वालिफाइंग नहीं है, इसके मार्क्स जुड़ेंगे, ये जरूरी है, ये आपका क्या है, ये मस्ट है, इसके मार्क्स जुड़ेंगे, इसमें 10 में 10 क्वेश्चन करना है, जितना मैक्सिमम हो सकता है उतना आप करो। बात समझ में आ रही, तो इसके मार्क्स जुड़ेंगे, ये आपके रीजनल लैंग्वेज है, जो भी आप इसमें से कोई भी अपनी भाषा चूज भी कर सकते हो। अब रीजनल लैंग्वेज की एक खासियत और होती है कि जो भाषा आप चूज करते हो वहीं पे आपको जॉब मिलने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। जैसे अगर कोई गुजराती चूज करेगा तो उसे गुजरात रीजन में जॉब मिलने के चांसेस ज्यादा रहेंगे, अगर कोई डोगरी लेगा या अगर कोई बंगाली लेगा तो उसे वेस्ट बंगाल, कोलकाता, यहाँ पे जॉब मिलने के चांसेस ज्यादा रहेंगे, अगर कोई कन्नड़ लेगा तो वहाँ पे कर्नाटक में इसे जॉब मिलने के ज्यादा चांस रहेंगे, अगर कोई कश्मीरी लेगा तो जम्मू कश्मीर में इसका ज्यादा चांस रहेंगे, अगर कोई क्या लेगा नेपाली लेगा तो इधर नेपाल क्षेत्र में जितने भी, जैसे हो सकता है कि बहराइच वगैरह भी में, यहाँ पे आपके क्या होते हैं जॉब मिलने के चांसेस ज्यादा होते हैं, या फिर कोई मणिपुरी ले रहा है, मणिपुरी ले रहा है, मलयालम ले रहा है, तो ऐसे ऐसे जगह पे आपका उस हिसाब से रीजन में आपको जॉब मिलने के चांसेस ज्यादा होते हैं रीजनल लैंग्वेज के अकॉर्डिंग। बट ईएमआरएस किसी को कहीं भी पोस्ट कर सकता है, ये उस पे डिपेंड करता है, तो ऑल ओवर इंडिया कहीं पे हो सकते हो, चांसेस ज्यादा होते हैं आपके अपने राज्य में, अपने रीजन में रीजनल लैंग्वेज के तर्ज पे, बट ईएमआरएस कहीं भी कर सकता है। तो ये आपकी बात रही जो मेन चीजें आपको जानने वाली थी। अब आते हैं एज रिलैक्सेशन, तो हर जगह जैसे चलता है वैसे रिलैक्सेशन यहां पे भी है। यहां पे ध्यान देना कि यहाँ पे कुछ लोगों को ये कंफ्यूजन रहता है कि जो ईएमआरएस में है उसमें वुमेन्स को क्या मिलता है, उसमें आपको क्या मिलता है, रिलैक्सेशन मिलता है, जबकि वुमेन ऑल कैटेगरीज ओनली अप्लाइंग फॉर टीजीटी पोस्ट, केवल टीजीटी पद के लिए महिलाओं को रिलैक्सेशन है, हॉस्टल वार्डन पद के लिए महिलाओं को रिलैक्सेशन नहीं है, इस बात का ध्यान देना। बाकी ये क्या है, ये आपके हॉरिजॉन्टल कैटेगरी के हैं, इस बात का आप ध्यान रखना, ये आपका क्या हो जाएगा, एज रिलैक्सेशन हो जाएगा। अब आते हैं इसके सिलेबस के फॉर्म में, तो सिलेबस में जनरल अवेयरनेस में ज्यादा कुछ नहीं लगता, केवल जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स पूछता जो है, रिपोर्ट वगैरह मैं बता ही दिया। रीजनिंग का सिलेबस एक बार आप लोग देख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, पजल, सीटिंग अरेंजमेंट, डेटा सफिशिएंसी, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, वर्बल रीजनिंग, इनइक्वालिटी, ब्लड रिलेशन, सीक्वेंसेस, सीरीज, डायरेक्शन टेस्ट, एसोसिएशन रीजन, वेन डायग्राम, नॉलेज ऑफ आईसीटी में ये पूरा कंप्यूटर है, एमएस ऑफिस कीबोर्ड, शॉर्टकट्स, देयर यूजेज, इंपॉर्टेंट कंप्यूटर टर्म्स, एब्रीविएशन, कंप्यूटर नेटवर्क, साइबर सिक्योरिटी, इंटरनेट और फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, ये आपका क्या है, यह आपका कंप्यूटर का पार्ट है। उसके बाद देखा जाए तो ये आपके 10 पॉइंट किसमें है, पॉक्सो में, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपके क्या होंगे, या पॉक्सो में पूछे जाएंगे, और फिर एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड का सेक्शन आएगा, इसमें भी आपके क्या है 6-7 टॉपिक हैं, और ये भी जैसे हैंडलिंग लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट, मैनेजिंग ऑफ कंज्यूमेबल इन्वेंटरी मैनेजमेंट से होता है, हॉस्टल, इंश्योरिंग सेफ्टी और सिक्योरिटी बच्चों से पूछता है, सेग्रीगेशन ऑफ मेल एंड फीमेल से पूछता है, और क्लीनलीनेस ऑफ हॉस्टल प्रीमाइसेस और रिकॉर्ड मैनेजमेंट से क्वेश्चन पूछता है। तो ये बढ़िया टॉपिक है, पढ़ने में मजा आता है। जनरल इंग्लिश में कॉमन इंग्लिश पूछता है, और जनरल हिंदी में कॉमन हिंदी पूछता है। हिंदी में संधि समास, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, सामान्य अशुद्धियां, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियां, पठित गद्यांश, ये एज पर सिलेबस ही पूछता है, ये बात अच्छी है आपके लिए। और रीजनल लैंग्वेज में आपका वही दिया हुआ है बेसिक ग्रामर क्वेश्चन, लाइक क्या सिनोनिम्स
होमोनिम्स एंटोनिम्स वनवर्ड सब्स्टिट्यूशन एरर डिटेक्शन स्पेलिंग एरर ये सारे पूछता है जो आपके रीजनल लैंग्वेज होते हैं। रीजनल लैंग्वेज में अधिकांश जो आपसे पूछता है वो क्या होता है, वो कैब बेस्ड पूछता है, ग्रामर बेस्ड कम पूछता है। और वो जो भी भाषा आप चूज करोगे 18 ये या 18 में से ही इंग्लिश हिंदी चूज करोगे सब में आपका वो कैब पोर्शन ज्यादा पूछता है, ग्रामर ज्यादा नहीं पूछता है। ये आपके रीजनल लैंग्वेज का क्या होता है, फायदा होता है। तो आपको बहुत ज्यादा इसमें दिक्कत करने वाली बात नहीं होती। अब बहुत सारे बच्चे पूछ रहे कि सर क्या ये पैटर्न बदलेगा, तो भाई मैं आपको बता दूं कि पैटर्न क्या रहेगा, पैटर्न सेम रहेगा। पैटर्न क्या रहेगा, पैटर्न सेम रहेगा, इसके लिए कोई भी परेशानी मत लो। एलिजिबिलिटी जो रहेगी ये भी आपकी पिछली की तरह ही क्या रहेगी, सेम रहेगी। नंबर ऑफ पोस्ट मैंने बता दिया कि ये अप्रॉक्स में चांसेस हैं 800 प्लस आने के, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि ये दो फेज में अगर करेंगे तो 400-400 भी हो सकता है, बट चांसेस इसके ज्यादा हैं, इस बात को ध्यान दीजिएगा। बाकी एज जो आपका है, एज आपका यहाँ पे मैक्सिमम 35 है, मिनिमम 18 साल का भी बच्चा भर सकता है, ये ध्यान दीजिएगा। मिनिमम कैप नहीं है, जब जिस उम्र में आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लो आप भर सकते हो, बस ये है, ठीक है। ये आपका एज है और ये सारी चीजें इस बार क्या रहेगी, सेम रहेगी। जॉब आपके ऑल ओवर इंडिया कहीं भी लग सकती है, आप किसी भी राज्य से, इसमें राज्य वाइज अप्लाई नहीं करना होता है, सिंगल फॉर्म भरना होता है। आपको केवल क्या चूज करना होता है, आपको सेंटर चूज करना होता है और आपको क्या चूज करना होता है, अपना रीजनल लैंग्वेज, बस। इसके अलावा कुछ भी चूज करने का ऑप्शन नहीं आएगा। बाकी जब फॉर्म आएगा तब मैं आपको सारी जानकारी दूंगा। अब मेन बात यह है कि अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हो तो भाई टीम परीक्षा प्लस जो हमेशा ईएमआरएस में नंबर वन रही है, आपके लिए बहुत बेहतरीन कोर्स लेके आई है और इस कोर्स से आप जुड़ सकते हो। ये कोर्स आप परीक्षा प्लस ऐप से प्राप्त कर सकते हो। वीडियो क्लासेस, लाइव क्लासेस हैं, इसमें सारी स्टडी मटेरियल है, सारी किताबें हैं, इसमें सेक्शनल क्विज है, इसमें डाउट सेशन है और वैलिडिटी आपके एग्जाम के डेट तक है। इसके अतिरिक्त यदि आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो और मैं आपको आशा दिलाता हूं कि ईएमआरएस के किसी भी वैकेंसी, वो चाहे टीचिंग हो चाहे नॉन टीचिंग हो, किसी भी वैकेंसी के लिए आपको कहीं भी सर उठा के नहीं देखना है। परीक्षा प्लस आपकी सारी नीड को फुलफिल कर देगा और बहुत बेहतरीन तरीके से कर देगा, सबसे उच्चतम गुणवत्ता के साथ और सबसे न्यूनतम प्राइस के साथ। और बाकी जो हमारा गाइडेंस है वो हमेशा निःशुल्क ही रहता है, वो निःशुल्क ही रहेगा। फिर मिलेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत आभार।